So today we'll continue with the numericals of the QC and KC. In the last lecture, we discussed about what is KC and what is QC. Okay. So what was QC and KC? KC was the ratio of the molar concentration of reactant. देखो KC क्या था? जैसे मान लो आपकी reaction थी AA into BB. CC plus DD. These smaller A, B, C, D, these were the coefficient, means how much number of moles are present in the reaction. वो कर चुके हम last video में. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास reaction concentration है C की, तो इसके C moles थे raised by power equal to C, and the concentration of molar concentration of D raised by the coefficient or the number of mole of D, and again A concentration raised by power A and B concentration raised by power B. ये KC हो गया. अगर इस समय रिएक्शन किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, और इक्विलिब्रियम में नहीं है, चलो मान लेता हूँ कोई भी रिएक्शन हो गया, डोंट नो वेदर इट विल इट कैन बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपका QC. यहाँ तक हमने कर लिया था, एंड ये चीज़ भी हमारी डिस्कस हो चुकी थी कि अगर QC और KC की वैल्यू इक्वल हो तो रिएक्शन किस में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में. अब सुनो, इसी बेसिस पर एक न्यूमेरिकल है, उसको ट्राई करेंगे. आप लोग लिखो, एंड यू ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, राइट डाउन अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल्स ऑफ N2 moles of N2 and 1.92 mole of H2 and 8.13 mole of NH3 is introduced into a 20 liter reaction vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant KC for the reaction is, KC value is 1.7 into 10^2 at this point. And what is the reaction? पता है आपको, देखो reaction ये रहेगी, दी हुई है, इसमें से लिख रहा हूँ मैं, N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. ठीक है, ये रिएक्शन है और ये इक्विलिब्रियम में होगी क्योंकि KC दिया हुआ है. तो ठीक, नाउ आपको बस निकालना है. अच्छा, नाल लिखो आगे, इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम इफ नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन सो फर्स्ट टेल मी हाउ विल यू सॉल्व इट. हाँ, चलो काम करो, यू टेक 2 मिनट्स एंड यू ऑल्सो द ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोथ एंड ट्राई टू सॉल्व इट, देन आई विल सॉल्व इट. ठीक है, आप टाइम लो अपना 2 मिनट का. सो देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को. आपके पास जो गिवन है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल को जब भी सोल्व करना है आराम से करना है. बोर्ड देखो, मैं नहीं यहाँ को कह रहा हूँ कंपटीशन जस्ट बताया है, ठीक थोड़ा बहुत तैयारी आपकी मैंने करवानी बोर्ड के तरीके से ही है, तो कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है. शॉर्टकट लोगे तो नंबर भी फिर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही आएंगे. तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, प्लस 2 में 3 मार्क्स ही लेने हैं. सुन लो क्या किस तरीके से करना है न्यूमेरिकल इन द बोर्ड्स. सबसे पहले आपको हर एक जो भी वैल्यू दी हुई है वो लिख देनी है वहाँ पर, और अगर उन सब की यूनिट्स में डिफरेंस है, मान लो कोई लीटर में है, कोई किलोमीटर में है, कोई कैसे है, सबको एक लेकर आओ, लीटर लीटर, मीटर मीटर, ठीक है, उस तरीके से लेकर आओ सबको. ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बाद ये वैल्यूज के मिलेंगे आपको हाफ मार्क पुट करने के. फिर आपने लिखना है फॉर्मूला, अगर नहीं लिखोगे हाफ मार्क कट जाएंगे.
बिल्कुल सही आंसर होगा एग्जैक्टली, तब भी 2.5 मार्क्स ही मिलेंगे अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो। आता है तो आता है, कोई बात नहीं, ओवर पता नहीं है टीचर को वहाँ पर, वो रूल है वहाँ कि आपने लिखा है फॉर्मूला तो हाफ मार्क मिल जाएंगे, नहीं लिखा है तो कट जाएंगे, सिंपल सी बात। फॉर्मूला लिखने के बाद जो वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं उनको अप्रोप्रिएट वे में जो रिक्वायर्ड है उस तरीके से न्यूमेरिक आपके पास जो एक फॉर्मूला है उसमें पुट करोगे। पुट करने के बाद कैलकुलेशन का भी आपके पास हाफ मार्क है और वो करके जो आंसर आएगा उसका केवल हाफ मार्क है, और उसके बाद हाफ मार्क अगर है तो, अगर यूनिट है वहाँ, यूनिट है तो आपको हाफ मार्क उसके भी मिलेंगे, यूनिट नहीं है तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ मैं, मतलब अगर मुझे ही कर प्लस वन है तो मुझे करना पड़ेगा स्टार्ट का क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है, कैसे मिलेंगे आपको हाफ मार्क, हाफ मार्क हो जाएंगे आपके फॉर्मूला के, हाफ मार्क फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करने के, उसके बाद हाफ मार्क किसके जाएंगे आपके आंसर जो कैलकुलेशन के, हाफ किसके मिलेंगे यूनिट के और आंसर के, यहाँ यूनिट वैसे आएगी नहीं, यहाँ आंसर ही आएगा हाफ मार्क। उसके बाद हाफ मार्क किसके आएंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और हाफ मार्क किसके आएंगे कि डायरेक्शन कौन सी है, ये 3 मार्क्स हो जाएंगे। जो जो जितने जितने स्टेप आप यहाँ से मिस करते चले जाओगे उस हिसाब से मार्क्स कटते चले जाएंगे, तो शॉर्ट वे नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब सुनो कैसे करना था, ये चीज़ें आपने, ये सब चीज़ें मैंने कहीं से नहीं ली, आपको मिली हुई थी। और सबसे पहली चीज़, बच्चे न्यूमेरिकल करते हुए या डर जाते हैं या फिर मतलब कि या तो ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो, दो चीज़ें होती हैं। एक्चुअली आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल करते हुए बिल्कुल शांत रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना ही फालतू खुश हो जाना है। ये मैंने किया हुआ है वहाँ पर, मुझे आता होगा, कई बच्चे उछल पड़ते हैं, अरे ये तो किया हुआ था हमने वहाँ, मैंने स्कूल में किया था, वहाँ किया था, और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, और वही डुबो देगा। जल्दबाजी, पेपर में टाइम बहुत मिलता है, मीन्स इतना टाइम मिलेगा कि आप पेपर 2 बार कर दोगे, केमिस्ट्री का ओनली, आई डोंट नो अबाउट मैथ और फिजिक्स, ठीक है, अपनी बात कर रहा हूँ मैं खाली, बोर्ड की भी और स्कूल की भी, कि पेपर आप 2 बार कर सकते हो बिल्कुल। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, वो टाइम बचा के कोई नहीं मिलने वाला आपको, टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले तो जो आपके पास न्यूमेरिकल है उसे केयरफुली बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ना है, पढ़ने से ही कई बार क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, और वो गलत पढ़ने से ही सोल्व नहीं हो पाता। और जब बताना एक बोलता हूँ बात में, ये रियलिटी है, अगर आपने न्यूमेरिकल में खासकर एक बार भी गलत थिंक, मतलब कि जो न्यूमेरिकल में पूछा है और आपने जल्दबाजी में उसको गलत मान लिया, बस फिर आप ना, बहुत बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को करेक्ट करके आप सही रास्ते पे आ जाओ, बहुत मुश्किल होता है। किसी की गलती निकालना आसान है, अपनी गलती पकड़ना बहुत मुश्किल है, खासकर उस टाइम पर। हाँ, पेप बाहर आओगे, ओ हो ये तो ऐसे होना था, वो क्यों, क्योंकि बाहर आता आत वही वही के वही हो आप, हो वही माइंड है, पेपर भी वही है और स्कूल भी वही होता है, बस गेट से बाहर निकलते ही ओ हो ये ऐसे होना था, जल्दबाजी में थे, डरे हुए थे या फालतू एक्साइटमेंट की कंडीशन में थे, आराम से करना है। तो सुनो भाई, पहला रोल, वैल्यूज़ को आराम से लिखो, ये ना हो कि इसकी वैल्यू यहाँ लिख दो, उसकी वैल्यू वहाँ लिख दो, थोड़ा सा करते हैं एग्जामिन इस तरीके से, ये कर दिया, उसके बाद आप लिखोगे फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर दी, यहाँ देखो क्या करना है हमें, इसने कंसंट्रेशन दी हुई ना, सॉरी नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है कि बताओ इस जो वैल्यू है किसी दी हुई है, केसी की, केसी वैल्यू इज गिवन टू यू, आपको फाइंड करना है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो आप क्यू सी निकालो पहले, तो क्यू सी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देखो ये रिएक्शन है, तो क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज बाय इट्स कोफिशिएंट दैट इज 2 डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड 2 इट्स 1 मोल सो नो कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज बाय पावर 3। ये लिख दिया हाफ मार्क आपको इसका, ऐसे मिलेगा वहां, ऐसे चेक करूंगा मैं या कोई भी टीचर। नाउ ये क्यू सी था आपके पास, आप क्यू सी के लिए वैल्यू पुट करोगे द वैल्यू ऑफ NH3। अब देखो जरा ध्यान दो भाई, यहाँ रिक्वायरमेंट तो आपको है
कंसंट्रेशन की, बट दिया हुआ क्या है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल से नहीं करना है आपने यहाँ। अब क्या करोगे आप, इसको कंसंट्रेशन में डिवाइड मतलब कन्वर्ट करोगे। एंड लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन जो है वो होती है नंबर ऑफ मोल बाय वैल्यू। वहाँ था ना आपके पास पी वी इक्वल टू एनआरटी वाले में, फिर हमने क्या किया था, पी वी इक्वल एनआरटी में एन डिवाइड बाय वी इक्वल टू सी कंसंट्रेशन। तो बस यही करना है आपको, नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं और वॉल्यूम देखो एक कंटेनर में है, तो जब कंटेनर एक ही है उसका कितना वॉल्यूम है 20 लीटर, तो वॉल्यूम इसका भी यही, इसका भी यही, इसका भी यही। तो आप क्या करोगे, इन सब को आप 20, इनके नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 इज 8.13 डिवाइड बाय 20, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम रेज बाय इट्स पावर। देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 दैट इज इक्वल टू 1.57 डिवाइड बाय 20 कंसंट्रेशन ऑफ N2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 1.92 डिवाइड बाय वॉल्यूम विल बिकम द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड रेज बाय पावर 3। ये कर देना था आपने। और अब देखो भाई, मैं पहले बता रहा हूँ कैलकुलेशन नहीं, वो आपको करनी है या पूछनी है मुझसे, पूछ लेना। कैलकुलेशंस को आप अपने आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी रहेगा, अदरवाइज मेरे लिए करवाना कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मेरे 10 मिनट लग जाएंगे, बेनिफिट कोई नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने आप उलझोगे, अपने आप ही सुलझोगे तो जाके होएंगी। अगर अभी भी आप प्लस वन में सोचो कि दैट स्पून फीडिंग होगी, बिल्कुल बेकार है वो, आप मेरी तरफ से नुकसान है आपका, मैं करवाऊँगा वो तो फिर, अगर करता हूँ ऐसे। अपने आप करो, हाँ नहीं हो रही है काफ़ी एफर्ट लगाने के बाद, देन टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है, ओनली वही सॉल्व हो सकती है। अब ये अगर प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है कि 9×7 क्या होता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ और है और इसका सोल्यूशन अब निकल चुका है, तो उसको ज़रा देखना ध्यान से। इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 2.4×10^3। और ये वैल्यू किसकी आ गई, QC की। अब हाफ नंबर इसका हो गया था, हाफ इसका, और हाफ मिलना था आपको इसका, ठीक हो गया। और अब इसके बाद आप यहाँ लिखोगे बिकॉज QC इज नॉट इक्वल टू KC, KC वैल्यू इज 1. दिस रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, देन यू विल राइट बिकॉज द वैल्यू ऑफ QC इज ग्रेटर देन KC, सो टू बिकम इक्वल टू KC द रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये था आपका टोटल सम। इसमें कोई किसी को डाउट पूछ लो, क्योंकि देखो हो सकता है जो बच्चे बैठे हैं वहाँ पर ऑनलाइन वीडियो पर, उन्हें कोई डाउट आप जैसा ही कॉमन हो तो वो क्लियर हो जाए। कोई किसी को डाउट इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, नोबडी, ओके। तो देखो भाई, ये आपके पास क्वेश्चन था। अब इसके बाद बस यहाँ पर एक ख़त्म हो गया आपका QC और KC का रिलेशनशिप, और इसके रिगार्डिंग हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया, पिछली बार भी किया था हमने एक न्यूमेरिकल इस तरीके का, ठीक है। तो अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टर्म, ली शेटलियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम का सबसे मेन प्रिंसिपल है और सारा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट इस ली शेटलियर पर ही चलता है। आपने अभी तक जितने भी आंसर दिए होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनमें ली शेटलियर प्रिंसिपल इन्वॉल्व रहा होगा, पता नहीं लगा आपको बट वो इन्वॉल्व रहा है। तो पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज ली शेटलियर प्रिंसिपल। ली शेटलियर प्रिंसिपल, कुछ लोग इसको ली शेटलियर भी बोल देते हैं, बट इट्स ली शेटलियर, बाकी मर्जी आपकी, जो मर्जी बोलते रहो, साइंस में प्रोनंसिएशन इज नॉट द मैटर। नाउ सी क्या बोलता है ली शेटलियर प्रिंसिपल। इसको हम वैसे
पहले इस टर्म को यूज़ कर चुके हैं और करते भी रहे हैं, अभी के मैंने डिस्कस। सपोज करो आपके पास कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन चलो मान लेता हूँ मैं, ये रिएक्शन है इतनी लेता हूँ जो आप करते आए हो, N2+3H2=2NH3, और मान लो कि चलो इक्विलिब्रियम बन चुका है, अब ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, और अब क्या करो आप कि इसमें अमाउंट ऑफ द अमोनिया, वो कौन सा N2 है ना, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, N2 हाँ NH3, ये आपका NH3 जो है फॉर्मूला है अमोनिया का, और अमोनिया आपने ऐड कर दिया, मींस अमोनिया का अमाउंट आपने इंक्रीज कर दिया, तो क्या रिएक्शन अब रहेगी इक्विलिब्रियम में, नहीं रहेगी, क्योंकि आपने अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट क्या है बढ़ाया है, कुछ भी बढ़ाओ आप कम कर दो तो रिएक्शन विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, अब क्या होगा फिर, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बैकवर्ड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब ली शेटलर आपको आता ही है, बेकार में ही इतना टाइम लगाया ली शेटलर ने, कई साल लगा दिए बनाने में, आपको पहले ही आ रहा था, उसने देखा नहीं फ्यूचर, वरना बनाता ही नहीं वो। अच्छा अब चलो क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपने जो एक्सेस NH3 डाला वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, N2 में और H2 में, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो लो भाई इक्विलिब्रियम दोबारा से बना दो, बन गया। अब ये क्या किया आपने कि आपने कुछ अमाउंट N2 और H2 को बढ़ा दिया, आपने रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दिया अब दोबारा से, तो रिएक्शन विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, अब क्योंकि आपने बढ़ा दिया है अमाउंट किसका, रिएक्टेंट का, और इक्विलिब्रियम में तो रहा नहीं रिएक्शन, तो अब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हाँ फॉरवर्ड, वेरी गुड भाई, फिर क्या जोर था समझाने के आपको, वेरी गुड, ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, तो लो भाई हो गया, यही ले सकते प्रिंसिपल है, तो क्या है ये बताने दो है बस, अब तो इंग्लिश रह गई है, केमिस्ट्री तो हो चुकी है, अब तो खाली इंग्लिश रह गई है कि हाउ यू विल यूज दिस टर्म्स, जो आपने आंसर दिया है उसको बस आपने वर्ड्स में एक फ्लो में बोल देना है, बोल दो भाई अकॉर्डिंग टू ली शेटलर प्रिंसिपल, आगे बताओ भाई, सब साइंटिस्ट ही हैं, मतलब कि साइंस आती है बट एक्सप्रेस करना नहीं आता, एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ी सी वीक है आपकी है, चलो कोई बात नहीं, देखो भाई सी इसको अगर हम अब लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो इसमें कोई कमी आपकी साइंस की तो है नहीं है, केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, उसके लिए थोड़ा सा अच्छे अच्छे नॉवल पढ़ा करो, तो वो ग्रामर से नहीं आएगी, वो नॉवल से आएगी, ग्रामर से कभी इंग्लिश नहीं आती। तो देखो व्हाट द ली शेटलर प्रिंसिपल सेज कि इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर एनी कंडीशन, आप तो मैं नहीं बोलता हूँ कोई कंडीशन को, इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंज इन कंडीशंस देन इक्विलिब्रियम विल मीन्स डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम विल मूव इन सच ए डायरेक्शन दैट इट विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ चेंज एंड विल रिटेन द इक्विलिब्रियम और विल अगेन मेक द इक्विलिब्रियम। सुनो बात मेरी क्या है, देखो क्या कहा है कि अगर, अब मैं इसको बता रहा हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में जो आप बोल रहे थे बट एक्सप्रेस नहीं हो पाया, कि अगर कभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है और आपने उसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन को कैच करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में जो आपने चेंज लेकर आए हो, वो चेंज क्या हो जाए, कैंसिल आउट, रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन विच विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ
चेंज, जो चेंज की वजह से इफेक्ट आया है उसे कैंसिल करना है और वो डायरेक्शन पकड़ेगा ये। अब मान लो आपने NH3 का अमाउंट बढ़ा दिया, अब अगर NH3 का अमाउंट बढ़ाओगे तो चेंज क्या आया है, क्या इंक्रीज हुआ है? हाँ, मतलब NH3 का अमाउंट बढ़ा है, तो अब इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब इसका अमाउंट कम हो जाएगा, और कम किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, तो रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कब तक चलेगी, हाँ भाई जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो यही तो था ली शटलर प्रिंसिपल, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द ली शटलर प्रिंसिपल, व्हेनेवर इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी चेंज इन कंडीशन, कंडीशन कैन बी टेम्परेचर, कंडीशन कैन बी प्रेशर, कंडीशन कैन बी वॉल्यूम, कंडीशन कैन बी कंसंट्रेशन, कुछ भी हो सकता है इनमें से। आप जो चीज़ चेंज कर दोगे इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन, वो होगी जिसकी वजह से वो चेंज का इफेक्ट कैंसिल हो जाए। आई थिंक बात समझ आ गई, नहीं आई? आ गई। अच्छा, और ये इक्विलिब्रियम का जो ली शटलर प्रिंसिपल है, ये आपके डेली लाइफ में और आपकी बॉडी मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। जैसे टीथ, आपकी जो टीथ डिके होती है उसके पीछे भी इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना है, पता है आपको? पता होगा कैसे, हाउ दैट डिस्टर्बेंस इन द इक्विलिब्रियम लीड टू द करोजन ऑफ द ईयर, सॉरी योर टीथ, ईयर नहीं टीथ, बताओ भाई। चलो देखो, अच्छा बताओ भाई, टीथ को प्रोटेक्ट कौन करता है? हाँ, इनेमल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनेमल, जो मेडिकल वाले बच्चों ने पता ही होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, 10th में पढ़ा होगा कि नहीं, आया नहीं था? हाँ बताओ क्या फॉर्मूला ऑफ इनेमल। हाँ, दांतों में क्या होता है, कैल्शियम, पढ़ा होगा, कोलगेट का समय हमेशा आते रहते हैं, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, तो कैल्शियम 5 times, और क्या होता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बट फॉस्फोरस होगा PO4 थ्राइस OH, Ca5PO4 times 3 and OH, और इसका एक नाम होता है बायोलॉजिकली, क्या नाम होता है, केमिस्ट्री का नाम क्या है इसका, इनेमल तो चलो उसका नाम हो गया एक बायोलॉजिकल, केमिकल नेम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज इट्स केमिकल नेम। और जरा ध्यान रखना, ये जो है आपके पास एक तरीके से इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहेगा। सो देखो भाई, होता क्या है इन अ नॉर्मल लाइफ, क्या होता है देखो, यूजली कि ना आपके माउथ में भी एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। कैसे बनता है इक्विलिब्रियम, इनेमल की डिसोसिएशन होती रहती है, इस वे में क्या होगा, कैल्शियम टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव में, इधर से ये टूट जाएगा फॉस्फेट PO4, कोई चार्ज होगा इसके ऊपर, चार्ज होगा कितना, 1, 5, 3 भाई देखो, 4 oxygen है, दे विल टेक 8 electrons, दे विल टेक 8 electrons, एंड फॉस्फोरस इज इन द 15th group, इट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम 5 electrons, आउटर मोशन 5 तो हैं, जब इलेक्ट्रॉन ही 5 है कितने देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और, 3, दैट्स वाई इट विल हैव -3 चार्ज, एंड हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ब्रेक हो जाएगा, ये चलता रहता है हमेशा, अभी भी चल रहा है आपके माउथ में, लेकिन अच्छी बात ये है कि इक्विलिब्रियम में है, उसी समय आपके माउथ में ये प्रेजेंट जो हैं चीज़ें, ये दोबारा से कन्वर्ट करते रहती हैं इसको, इनेमल को, मीन्स जो ब्रेक, जो आपका इनेमल टूट गया है दोबारा से इनेमल में बनता रहेगा, और ये इक्विलिब्रियम चलता रहेगा एक हेल्दी, जो आपके पास हाइजीनिक कंडीशन है माउथ के अंदर। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप
मीठा खा लेते हो, ठीक है, या फिर फूड भी खाया आप, फूड भी देखो पता क्या है रियलिटी में, हमारा फूड में भी शुगर होती है, पता ही है आपको, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, अ फॉर्म ऑफ शुगर। तो शुगर देखो मीठा का मतलब शुगर नहीं होता है, वो शुगर मीठा तो एक उसका जस्ट एक करेक्टर है कुछ चीज़ों का, अदरवाइज शुगर तो आपके वीट में भी है, तो शुगर का उस इवन इन द मिल्क ऑल्सो शुगर इज देयर, तो शुगर का कोई मतलब मीठे से नहीं होता है, वो एक गलत चीज़ है। अब आपने खाना भी खाया या कुछ मीठा खा लिया तो क्या होगा, दैट इट विल, दैट योर फूड इट विल प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन। फूड क्या प्रोड्यूस करेगा, एच पॉजिटिव आयन, क्योंकि कैसा है वो एसिडिक इन नेचर, शुगर वाली चीज़ें जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, इसीलिए आपको ना अगर आपने लेमन जूस पिया है, मतलब लेमन जूस मीन्स खाली नहीं, लेमन जूस ऐसे पी लिया हो, किसी चीज़ में मिला के पिया हुआ है, तो ज़रूरी है कि उसे पीने के बाद आप एक नॉर्मल वाटर से अपने माउथ को रिंस करो, क्योंकि जो लेमन में क्या है एसिड, इट विल डिस्ट्रॉय योर टीथ। इसीलिए जब कुछ लोग खट्टा खाते हैं तो ये एक आपका रिस्पॉन्स है बॉडी की तरफ से कि आपके टीथ को अच्छा लगता नहीं है, वो कहता है हटाओ उसको, और आप लोग और उसको करते रहते हो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। एसिडिक चीज़ें आपके टूथ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अगर आपको कभी लेमन जूस वगैरह पीना हो, कोई भी चीज़ खट्टी खानी हो, तो ज़रूरी है कि उसके बाद एक बार आपने माउथ को रिंस करो वाटर से, वो क्यों बताता हूँ मैं अभी। अब होगा क्या, एच पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ फूड से, हुआ जैसे मर्जी हुआ, तो वो एच पॉजिटिव किससे मिल जाएगा, OH नेगेटिव से क्या बन जाएगा, H2O, और मतलब टूथ गया पानी में, बिल्कुल पानी बन गया उसका, वो कैसे, अब देखो कम क्या हो गया, अब देखो किसका अमाउंट कम हुआ, OH नेगेटिव का, व्हाट इज OH नेगेटिव, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब जब इसका अमाउंट कम हो गया तो क्या अब आपके माउथ में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है, नहीं है, रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन, फॉरवर्ड, एंड व्हाट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिसोसिएशन ऑफ इनेमल, ओनली एंड ओनली इनेमल विल ब्रेक ब्रेक एंड ब्रेक, कब तक, जब तक कि दोबारा से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब अचीव ना हो जाए, तो आपके जो टूथ की जो ब्रेकिंग है, जो डिसोसिएशन है, जो डिकम्पोजिशन है, वो भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, और जब तक एच पॉजिटिव आता रहेगा वो OH नेगेटिव को यूज करके वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा और आपका टूथ जो है वो ख़त्म होता रहेगा। तो इसका बेस्ट वे क्या होता है, आपको खाना खाते ही गार्गल करना है या फिर अपने माउथ को सिंपल वाटर से रिंस करना है, उससे क्या होगा, फूड पार्टिकल आपके जो टूथ में फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे, तो उससे क्या है एच पॉजिटिव प्रोड्यूस ही नहीं होगा, जब ये प्रोड्यूस नहीं होगा इसको यूज़ भी नहीं करेगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और दैट विल रिमेन इन द एक अप्रोप्रिएट मैनर में रहेगा वो जिसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जस्ट मतलब कि पेस्ट करने से भी इफेक्टिव वे है ये, पेस्ट करने से भी इफेक्टिव वे है, क्योंकि दांत तब खराब होगा ना जब आपके पास एच पॉजिटिव आएगा, और कोई भी बैक्टीरिया वायरस टूथ को ख़राब नहीं कर सकता जब तक इनेमल है, इनेमल के ख़राब होने के बाद अटैक होता है बैक्टीरिया या वायरस का, ठीक है, तो इसको बचाना है आपको। तो एक सिंपल वे में वो जो है ना, वो आज सुबह सुबह शुरू कर देते हो रगड़ना दांतों को, वो तो जस्ट चमकाने के लिए होते हैं चाहे वो ख़राब भी हो, उससे ज़्यादा उनको हेल्दी रहना ज़रूरी है, तो उसके लिए खाना खाओ उसके बाद गार्गलिंग करो ज़रूरी है वो, ठीक है। अगर आप गार्गल नहीं कर सकते, पानी पियो थोड़ा सा मुँह में अपना स्विश करो और पानी पी जाओ, तो अच्छी बात है, गर्म पानी अच्छी बात है अभी। तो इस तरीके से देखो भाई, ये आपके देखो पता है क्या है, मैं आपने साइंस पढ़ ली, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, ये पता नहीं है कि करना क्या है, उसका मार्क्स आ गए 99, अब पता नहीं है कि माउथ को भी रिंस करना होता है, तो बेनिफिट क्या है 99 मार्क्स का, कोई बेनिफिट तो नहीं है ना भाई, आप अपने दांत तक नहीं बचा सके तो ऐसा बेनिफिट क्या है फिर डॉक्टर बनने का भी, पता लगा डॉक्टर साहब कौन है जो बीमार हैं, कहाँ गए हैं अपने लिए मेडिसिन लेने के लिए, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। तो साइंस वाले बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस और उसके लिए होने चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई, आपके पास आज हमने ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट विद ली शटलर प्रिंसिपल यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इसके बाद देखो करना क्या है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ली शटलर प्रिंसिपल के बेसिस पर, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं
जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वो क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके पास इन द कंपटीशन ऑल्सो, मतलब एनडीए वगैरह बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, कोई कंपटीशन एक नहीं होता है, बहुत सारे कंपटीशन हैं और मैक्सिमम कंपटीशन अब NCERT बेस पे ही होता है, तो वो कर लोगे ना तो लगभग आपका ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। और ये हमारा एक लास्ट पोर्शन है इक्विलिब्रियम का। इसके बाद एक्चुअल में इक्विलिब्रियम दो पार्ट्स में है, दूसरा पार्ट है एसिड बेस आयोनिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि वो स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, तो चलो आज के लिए वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ओके।